बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी दुआ में याद रखें। तबीयत कुछ ठीक से नहीं है तो ना, शायद ठंड लग चुकी तो ना, अभी भी सर में थोड़ा दर्द है तो उठकर आई हूँ। तभी 6:30 का टाइम हो रहा है। मोहम्मद साथ सोया हुआ था तो मैं ऊपर आ गई तो उसने नाश्ता करवाना, सर साहब को उन्होंने स्कूल जाना है तो वह मेरे साथ ही उठ जाता। सुबह सर्दी होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता उस टाइम ना, तो अभी सोया था इसलिए मैंने थोड़ा ना ऊपर आ गया, आटा गूंद लिया था। मैंने सोचा आप लोगों से साथ बातचीत कर ली जाए। तो ये कपड़े धोए हुए अभी तक पड़े हैं, रात को मशीन लगाई थी शाम टाइम तो अभी दीवारों के ऊपर गिरे थे ना, तो आप करीब ये ना वो हफ्ते में तीसरी दफ़ा हमारे घर में मशीन लग चुकी है। हफ्ते को लगाई थी, उसके बाद मंडे को और फिर उसके बाद जमेरात को। इतने कपड़े होते नहीं हैं, बस ना एक दो सूट हों भी तो सेल सा मशीन लगा कर बैठ जाते हैं और वो सारा स्यापा मेरे घर में डाल कर ना फिर खुद फरार हो जाते हैं। इतना मशीन के अंदर सर्फ डाला हुआ होता है तो फिर बंदा मरे तो क्या ना करे। एक सूट के लिए मशीन लगा कर बैठ जाते हैं। मकई का कुछ आटा पड़ा हुआ था तो उसकी ना मैंने कहा तो रोटी बना ली जाए, तो सुबह बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ लंच, लेकिन फिर कभी ठीक से नहीं किया तो उस जल्दी जल्दी उनके साथ थोड़ा बहुत खा ली। अब दोपहर को भूख लगी थी तो थोड़ा ये साग भी पड़ा हुआ था, साग को तड़का लगाया, साथ में मकई की रोटी बनाई। अब आई हूँ बाहर तो ये ना चीज़ें कुछ एक तो चीज़ें थी जो घर में नहीं थी वो लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी वाली शॉप पे। तो ये सब्ज़ी वाली शॉप बिल्कुल हमारे घर के पास ही, यहाँ से हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है। सब्ज़ी मंडी तो हमारे घर के साथ ही है, लेकिन वो ना मेन रोड को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो रोड को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लग गया था। डबल रोड है ना, वन वे तो ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है। टमाटर लेने आई हूँ और साथ में मटर लेने आई हूँ, तो आज ना कुछ दो मटर पुलाव बनाने का ख्याल है। ये सब मैं सब्ज़ी इतनी फ्रेश और ताज़ा लग रही है, बस ना मेरे जहन में ये बात है कि बंदे की ज़िंदगी भी ऐसी इन सब्ज़ियों की तरह ना फीकी मीठी कड़वी और कलरफुल भी है और फीकी भी है। कुछ सब्ज़ियाँ फीकी होती हैं, कुछ मीठी बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं और कुछ के कलर बहुत प्यारे होते हैं, कुछ डल होते हैं। ऐसे ही बंदे की ज़िंदगी है। हाँ जी, तो चीज़ें ले ली हैं, अब घर की तरफ चलती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी सारा कुछ शेयर करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है तो क्यों नहीं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाए। हाँ जी, ये मेन रोड बिल्कुल हमारे घर के पास है, यहाँ इसको क्रॉस करके जाएँ तो दूसरी तरफ भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं सब्ज़ियों की, तो वहाँ से मिल जाती, लेकिन उसको रोड को क्रॉस करना ना मुश्किल हो जाता है, वन वे रोड है। ये भी स्कूल हमारे घर के पास है, नया खुला है तो, लेकिन लाइब्रेरी और अली हसन के दूसरे स्कूल में पढ़ती हैं, वो भी हमारे घर के पास ही है। अब चलते हैं घर की तरफ, जाकर देखते हैं। हाँ जी, तो मटर पुलाव बना रही हूँ। प्याज ना थोड़ा ब्राउन अच्छा लगता है मुझे मटर पुलाव में, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो कभी कभी बंदे का दिल करता है बंदा किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खाए, खुद ही बना बना कर आगे थक जाता है ना। तो मटर पुलाव अच्छे से बना रही हूँ, तो दिल से बना रही हूँ, लेकिन अच्छे ही बने तो चावल अच्छे बना दूँ, लेकिन मुझे मीठा नहीं बनाना आता, बाकी चीज़ें तो मैं अच्छी बना लेती हूँ। लेकिन ऐसा कभी कम ही बनाती हूँ तो फिर सवाई सवाई हूँ कि बाकी मुझे कुछ नहीं बनाता, जो सही बात है। हाँ, एक चीज़ मतलब बनाते रहे तो फिर ना कुछ अरसे लिए कोई चीज़ भी छोड़ दीजिए तो फिर भूल भी जाता है, तो फिर अच्छे से बनती भी नहीं। अगर वही चीज़ बार बार बनती रहे तो फिर अच्छी बनती है। हाँ, चावल अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं, सबको देने लगी हूँ और रायता भी बना लिया है। तो अली हसन और ना से ना रायते बगैर चावल नहीं खाते मैं तो खा लें, बाकी सभी खा ही लेते हैं हम लोग। हम तो दरवेश बंदे हैं, जैसे मिले खा लेते, फीकी मीठी गर्म ठंडी जैसी भी हो शुक्र अल्लाह का अदा करके खा लेते हैं। हाँ, बस ना नखरे वखरे जो होते हैं ना ये दूसरों को भी दिखा देते हैं बंदे को। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, हम तो नानू